الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
मैनू नहीं सी पता कि इत्थे खतीब कौन है। बाद फिर कारी साहब का टेलीफोन आया तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि तुहाडे खतीब कारी साहब ते मैं असी कुछ क्लास फैलो भी इतने मोहनपुर ही आप पढ़ते सन असं भी उदो छोटे सन मेरे च उम्र च वे पर अल्लाह ताला इन्होंने बड़ी बरकत ता फरमाए अल्लाह ताला बड़ी रहमत तो मालामाल फरमाए। साडा अहले सुन्नत का ईमान है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अले सलाम को गैब का इलम अता फरमाया। जिस वक्त असी यह गल करते हैं कई बेलिया को गलती लगती है नबी पाक अलैहिस्सलाम वास्ते गैब का इलम मनिया बंदे का नकार टुट जाता है, शिरक हो जाता है क्योंकि इलमे गैब ये अल्लाह का खास है, ये अल्लाह की सिफत है। जदों तुसी ये इल्मे गैब किसी होर विच मन्नोगे ते रब जी सिफत किसी होर विच मन्नी इहो ते शिरक है। जदों बंदा शिरक करता है मुसलमान नहीं रहिंदा, ते जदों मुसलमान ना रहे निकाह भी टुट गया। इस वास्ते तो फिर अगे बड़ी लंबी गर्दान कर देने हराम दे देने कदी कदी इंज हुंदा कि इको लफज खालिक वास्ते भी बोलिया जाता है मखलूक वास्ते भी बोलिया जाता है, लफज इको ही बोलिया जाता है पर शिरक नहीं बनता। शिरक उदों बनता है जो माने च बराबरी हो, जे माने च बराबरी नहीं तो लफज एक आन नाल शिरक बनता। मैं ये दिया दो तीन मिसाल कुरानी मजीद चो बयान करके अगे चलना की ख्याल है अल्लाह ताला जिंदा है कि नहीं है? अल्लाह की है तो तुसी हौली बोल रहे हो अल्लाह भी तुसी भी शिरक बन जाएगा। लफज देखो आगे वो भी जिंदा तू भी जिंदा शिरक बन जाएगा नहीं, क्यों? इस वास्ते कि लफज भावे इको दो आते आया है पर माने च ते बराबरी नहीं ना। अल्लाह नू जिंदा किने कीता है? वो ते आप ही है कि तेनू मैनू किने जिंदा कीता है? मैं ते तू जिंदगी च अल्लाह दे मुहताज ते मेरा अल्लाह किसे दा मुहताज नहीं। जदों इन्ना फर्क होवे फिर लफज एक कौन नाल शिरक बनदा नहीं। अल्लाह ताला समी बसीर है कि नहीं? अल्लाह की शान है अल्लाह समी भी है बसीर भी है। सिफतां ने सामा बसर कुरान ने बयान फरमाया फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम
مسجد الاقصى انسان بھی سمیع بصیر لفظ تے دوواں دے ایک آ گیا نہ شرک بن جائے گا کیوں ماننے کے برابری کوئی نہیں اللہ نو سمیع بصیر کنے بنایا ہے وہ آپ ہی ہے تے تینوں مینوں سمیع بصیر کنے بنایا ہے اسی سمیع بصیر ہون وچ اللہ دے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں لیکن یہ لفظ نبی پاک واسطے بھی آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم خالق تے بھی بولیا جا رہا ہے تے مخلوق تے بھی بولیا جا رہا ہے بولو اللہ نے ساڈا ولی بنایا کنے اللہ ذاتے اپ ہی ہے تے نبی پاک نو ساڈا ولی تے مددگار بنایا کنے ہے اللہ نبی پاک ساڈے ولی ہون وچ ساڈے مددگار ہون وچ اللہ تے محتاج تے میرا اللہ کسے دا محتاج نہیں ایک ہور مثال سن لو اللہ تعالیٰ دی ایک شان ہے صفت ہے اللہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم اللہ تعالیٰ لوکاں واسطے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے پر جدوں اودے محبوب دی واری آئی قرآن بولیا سورت توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم شرک نہیں پڑے گا کیوں کہ مانج برابری کوئی نہیں اللہ نو رؤوف رحیم کنے بنایا ہے پاپ پہ یہ
नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं रऊफ रहीम किन्ने बनाया? नबी पाक अलैहिस्सलाम रऊफ रहीम होण विच अल्लाह दे मुहताज, ते मेरा अल्लाह किसे दा मुहताज नहीं। एक और मिसाल सुन लो, अल्लाह ताला वास्ते एक लफ्ज बोलिया गया है शहीद। शहीद का माना ओ जात जिदियों जिदे सामने कोई शह ओले नहीं। शहीद कौन होता है? जिदे सामने कोई शह ओले नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकफा बिल्लाही शहीदा। अल्लाह वास्ते भी लफ्ज शहीद बोलिया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी वारी आई तामी कुरान ने लफ्ज बयान फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता, कैफा इजा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व तीजा फर्क
अल्लाह का इलम वधदा नहीं। नबी पाक ने सलाम का इलम वधी जांदा है, 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 वधी जांदा है। कई घबरा मैंने भी कहता हूं सुनो, अल्लाह का इलम नहीं जो वधदा रब की सौ बद सकता भी नहीं, तो महबूब का इलम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हबीब प्यारे साडी बारगाह चरण करया कर कुल रब जिदनी सिपारे दे अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल उला। सुनिया तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी नालों सरकार ने शाना वधी जांदियां ने, इलम भी वधिया जांदा है, पावर वधी जांदियां ने, शाना ते रब दा इलम नहीं जे वधदा ते सोने दा हुण कोई ना समझ लवे कि नबी पाक नूं रब तों वधा दित्ता है, क्योंकि वधेगा ओहदा जिहदा पहले थोड़ा होया। रब दा इलम ते कदी थोड़ा मुशरक बना बनाए फरियाद कमाए शिरक करी जाते हैं जी, बड़ा पाकिस्तान शिरक फैल रहा है। अल्लाह ताला हिदायत देवे तू कब्र च भी जाना है, जिस तरह शिर्क करना जुर्म नहीं, इस तरह किसी मुसलमान नु मुशरिक कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। तेरे अब्बा जी का की नाम? गुलाम नबी। तो तुम्हारे सामने मैंने पूछा है तेरे अब्बा जी का की नाम, इन्हें की क्या गुलाम नबी, वो सच्ची दसी तो मेरे पूछने तो पहले तेरी तवज्जो उधर है सी, पता है ऐसा सुन पता है ऐसी पर तवज्जो उधर नहीं सी, बस मैं ये हो ही नहीं सकता कि रब दा इलम कायनात दे किसे गोशे वाल मुतवज्जे ना हो। अल्लाह दा इलम हर आन हर घड़ी कायनात दे हर गोशे वल मुतवज्जे, लेकिन सरकार वाली हो सकता है कि किसे गल वल तवज्जो ना हो, इलम है पर तवज्जो, लेकिन अल्लाह दा इलम कायनात दे हर जर्रे दे हर गोशे वल हर वक्त मुतवज्जे है। किन्ने फर्क हो गए, चलो पंजवा कर दिंदे हां। सानू मुशरिक ना आख्या करो, असी मुशरिक नहीं, शिरक उदों बनता है जदों रब नाल बराबरी होवे, असी ते रब दे बराबर नबी पाक अलैहि सलाम दा इलम मनदे ही नहीं, ओ बराबरी असी नहीं कहिंदे बराबरी, असी आने कि रब का इलम एक ऐसा समुंदर है जिदा किनारा ही कोई नहीं। पाकिस्तान का समुंदर है ना जिहड़ा कराची नूं गवादर नूं ठट्ठे नूं लगता है, पाकिस्तान का समुंदर है ना, ते दुनिया के समुंदरां का किनारा है कि नहीं, तो कराची किनारा है, उधरों गवादर किनारा है, फिर ये जिहड़े समुंदर ने इहना जद्दा किनारा है, फिर हॉलैंड च रॉटरडैम किनारा है,
किनारे निसाए। इसे तरह इंग्लैंड के अंदर स्कॉटलैंड वगैरह के समुद्र के किनारे ने, लीबिया के अंदर त्राबलस जड़ा है यह समुद्र का किनारा है। तो मैं दसदा वह पिया जो मैं आप देखे ने यह समुद्र के किनारे साढ़ा जो समुद्र है यह किनारा है, पर अल्लाह का इलम एक ऐसा समुद्र है जिसका किनारा ही कोई नहीं। रब के इलम के मुकाबले से नबी पाक अलैहिस्सलाम का इलम इंज समझो जिवें एडे समुंदर विचों चिड़ी चुंझ पा दी। ये बराबरी है? ये बराबरी है? अल्लाह ताला के खालिक अल्लाह ताला मालिक के परवरदिगार बनाने वाला नबी पाक बनने वाले ओ शान देने वाला नबी पाक शान लेने वाले सरकार का इलम बाकी सारी कायनात नालों ताई ने मेरे इमाम ने फरमाया है गल ही नबेड़ के फरमाया लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़ुन इश्क़ कर दिया शरीफ़ैन, तय्यबैन, ताहिरैन, उहद पहाड़
ਦਾ ਤਾਜ ਬਣੇ ਪਹਾੜੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੰਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਨੇ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ فرمایا اسكن يا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا اوئے پاڑا ٹھہر جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے کلا دا نبی ہے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے جس ویلے سرکار نے ٹھوکر ماری نہ پیر دی پہاڑ دا زلزلہ فوراً اس حدیث چوں مسئلے دو ثابت ہوئے ایک میرے آقا دی پاور پاور کتنی ہے کہ ایک ٹھوکر میں بہت کا زلزلہ جاتا Yeah.
क्यों ना कहा सरे अर्श पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर है तेरी नजर मलकू तो मुल्क में कोई शह नहीं हो जो तुझ पे आया नहीं बला बदर की लड़ाई च हजरत अब्बास भी गिरफ्तार हो गए नबी पाक अलैहि सलाम के चाचे जो मक्के शरीफ में लगे सन टुरन इन्हें अद्धी राती जगाया अपनी बीवी ने नबी पाक अलैहि सलाम की प्यारी चाची हजरत उम्मे फजल जगा के फरमाया आकी ये तो सोना ये गोल्ड है मैं क्या मैं औखे वेले वास्ते जोड़ के रखिया सी और मैं चलिया लड़न वास्ते ते तू इंज कर यूं संभाल के रख जे बच के आ गया तो बाद च रख के खावांगे ते जे मारिया गया ते फिर बाद तेरे बच्चों के काम आएगा तेरे काम आएगा सिर्फ बीवी नूं पता या खावां नूं पता है। हजरत अब्बास भी गिरफ्तार हो गया जदों कैदियों के बारे फैसला लगा ना होना तो फैसला यह होया हर किसी को फिदिया लेने फिक्स पैसे या सरकार ने फैसला किया जिहड़ा पढ़िया लिखिया साढ़े मुंडिया नूं लिखना पढ़ना सिखा देने यह भी उहदा फिदिया है। तो जो हजरत अब्बास की वारी आई फरमा चाचा तेरे को डबल लेना ना मेरे को पैसे कोई नहीं कितों लिया डबल फरमा नहीं तेरे को डबल लेना चाचा हो गए भतीजे के मुकाबले में आया डबल लेना तेरे को नहीं मेरे को कारा फिदिया देने के भी पैसे नहीं मैं तेन डबल कितों दयागा फरमा चाचा इन्ह गलों जान दे लेना डबल ही है नहीं तेरी की मर्जी है कि मैं मक्के दी गलियां च चौथा हाथ च फड़ के मंगदा फिरा दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा तेरी मर्जी है मैं मांगत बन जा मेरी मर्जी तो नहीं कि तू मांगत बने ते वेखे ना जे तू डबल फिदिया लिया मेरे को मैनू फिर उधार लेना पेगा उधार लाने वास्ते फिर मैं मंगना पेगा और की है। हजरत अब्बास ने जिस वेले ज्यादा की गल नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया चाचा तेरा अद्धी रात का वेला तो याद कर चाची नूं सुतियां जगा के आखिया सी वेख की सोना है कि नहीं हजरत अब्बास ने जदों गल सुनी ते फिर जनाबे हजरत
तू पता नहीं केड़े भुलेखे फिरना भाई नदी नु दीवार दे पीछे दा पता नहीं ऐसे उनको कह दी क्या खबर ला ऐसे बदर दी लड़ाई तो बाद काबे दी दीवार नाल ढो ला के दो काफर बैठे ने एक दा नाम है सफवान ते दूजे दा उमैर उमैर कहिंदा साडा ते लक ही टुट गया जीवन का स्वाद ही कोई नहीं मेरा बुढ़ा मारिया गया बदर की लड़ाई मेरा फलाना मारिया गया हुण मेरा पुत्र फड़िया गया गिरफ्तार है मैनू कदी कदी बड़ा गुस्सा चढ़ता है दिल करदा तलवार लेके जावा इस मुहम्मद इन्हू कतल करके बदला लवा फिर मैं डर जाना डरना कि जो मैं जाना है ना उन्हें मारन वास्ते तो उन्हें मनन वाले मैं छड़ना वो मैं मार देंगे तो देखे ना मेरे तो बच्चे भी ने बीवी है तो कला ही मैं कमा तो बाद च मेरी बीवी बच्चा का वाली वार सिखा रहेगा मैनू मेरे पुतों की कसम है जे कभी मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल ना आता तो मैं जाके तौन ना ला देता सफवान ने गल सुनी दो ही नतीजा बोली सफवान कह लगा पक्का है तू अपनी गल से उन्हें कहा बिल्कुल पक्का बस मेरे फिकर पिछे लै गया उन्हें कहता है जो साढ़े खुदा ने ना ये गवाह ने तू जा एक काम कर मुसलमाना दे नबी की गर्दन उड़ा के आ कतल करके आ जे तू एक काम कर लेगा पूरी कौम का हीरो बनेगा जे तू मर भी गया ना इस मिशन के अंदर फिक्र ना करी जो मेरे बीवी बच्चे खाणगे ओही तेरे बीवी बच्चे खाणगे सब कुछ मिलेगा लो जी दोवां दा मुआदा हो गया उमैर सवारी ते बैठा सीधा मदीने शरीफ आया हाले मस्जिद शरीफ नहीं बढ़िया सवारी फड़ी है ते आ रहे है ना ते हजरत उमर ने देख लिया اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله مؤمن دی فراست ڈرو اللہ دے نور نال ماں پیمان شرارتی نیت نال آیا پھڑ لو حضرت عمر نے آئے تو پڑھیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لے آئے जी सची गल दसी मैं पुत्र छुड़ाने आया फरमाया उमैर तेन मैं अगे भी आख्या मैं अल्लाह का सच्चा नबी आया जी तुम नहीं इतबार आता तो मैं की कर सकता मैं पुत्र ही छुड़ाने फरमाया तेन मैं आना सच्चा ही दस दे मैं अल्लाह का नबी हाँ सच्चा झूठ ना बोल झूठ बोल रहे तू कह जनाब पुत्र ही छुड़ाने वास्ते आया और का दे आसे तुसी नहीं मनना तो मैं हम की करा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उमैर फिर ओ वेला ते याद कर जो तू ते सफवान ਦੋਵੇਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੱਕਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਫੀਆ ਸਫਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ
पंजवी दे बुखारी फिर तो बुखारी पढ़न लगा मता तेरा बुखार ले जाए तू ना किसी को नहीं पता चल गई कोई नहीं जानता कल की ये ना क्या वो जरूर जानता है जिन्हें मेरा अल्लाह दस देता नबी करीम अलैहि सलाम खैबर वास्ते गया फतह वास्ते खैबर दे कई किले फतह हो गए एक अड़ गया सरकार ने फरमाया अच्छा भाई लको ते जन्नत हाज़िह रायत बदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु उस बंदे दी शान की है वो बंदा अल्लाह नाल भी प्यार करता है अल्लाह दे रसूल नाल भी प्यार करता है अल्लाह भी ओदे नाल प्यार करता है अल्लाह का रसूल भी ओदे नाल प्यार करता है ध्यान कल झंडा ओनू दियांगा जिदे हाथ ते फतह होएगी कल दी गल दसी जा रही है कि नहीं अगे फरमाया ओ बंदा अल्लाह नाल भी प्यार करता है रसूल नाल भी प्यार करता है अच्छा सच्ची गल दसा अरे तुसी हाथ चुमना ले उद्दे हो ना दा ते है पता के प्यार कर दे लेकिन 100% तलाकां दी कसमां दे के नहीं कहा जा सकदा कि तुसी वाकई प्यार कर दे कई दाल लाने वास्ते भी हाथ चुमदे ने सदी गल अच्छा मैनू नहीं पता लगता कि वाकई ये 100% सच्ची गल है कि प्यार करता है साडे नाल या होर वजह है तुहानू पता लगता है एक गुमान है गालिब सन्ने गालिब भाई अरे बंदा प्यार करना है मोहब्बत वाला बंदा है लेकिन जिदे च शक दी जर्रा भी गुंजाइश न रहे वो और तुसी आप प्यार करने वाले हो पता नहीं तुहानू अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह पता है ना पर नबी पाक ने सुना नु किवें पता लग गया अल्लाह नाल प्यार करदा है सुभान अल्लाह ये तो दिल दी गल है ना लोग अंदर नहीं नबी पाक नु नहीं सी पता मुनाफिकां दा कोई बंदा तोड़ जा मां खड़ी कर कह सकता कि अल्लाह मेरे नाल प्यार कर अल्लाह अल्लाह प्यार कर दे नहीं नहीं क्या किसी ने इतबार नहीं शक तो पै जांदा सी जे रब साडे नाल प्यार ना करदा हुंदा ते महबूब दीयां शानां ते लौंदा क्यों जदी मेहरबानी होंदी बेशक लेकिन जड़ी है ना 100% गल ये नहीं पता पक्की गल है ना कि नबी पाक ने की फरमाया कल चंडा किनू दिया ओदे हाथ ते फतह भी होएगी अल्लाह भी ओदे नाल प्यार पता लगा नबी पाक अलैहि सलाम इह सारियां जानदे सन अच्छा हदीस शरीफ च आउंदा जदों सरकार ने फरमाया ना ते साहबा ने ना बहाने बहाने आना शुरू करता बहाने बहाने असी नजर चली गए मतलब जो किसी पिछे खलोता होना तो पापा पहाड़ खलो ताकि ना भी नजर आता सुबह हुई नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना अली युबनु अबी तालिब ओ मेरा अली किथे है अक्खां दीयां देखां दुख रहीयां ने सरकार ने नहीं फरमाया ओह अच्छा अखा दुख रही है चलो किसी और चढ़ा दे फरमा नहीं लियो लियो हजरत अली मुर्तजा शेर
लिबार्ट्री सी मैं देखा थी मेरे तो मुबारक की शिफा है टेस्ट कर रहा सर ये पूरा यकीन सी तो कहता क्यों नहीं मरता क्यों नहीं मर के साडे नाल आ के कौन देता
मोमना देखेगा मोमना का अगे अगे भी उन्होंने नूर तुरेगा सजे पास भी नूर तुरेगा जो मोमन का नूर तुरेगा ना तो मोमन के होंगे चानने तो मुनाफुक होगा उस करेगा करना सन तो तू मंगी जाते
तू सिफारिश करी जा सी बख्शी जाने तू बाह फड़ी जा सी जन्नत टोरी जाने उदो पता की होना सरकार ने कहा जा अल्लाह आज का सही दस दिन पत्ता बड़ा सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन भी बड़ा सी पर या अल्लाह ना ते मेरा लेना के सुनाबले इस्लाम जिंदाबाद इमाम अल मुनादरी जिंदाबाद फातिह नजदीयत जिंदाबाद या अल्लाह मेरा ना लेना के ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੜਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿੱਡੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਸਫਾਤੀ ਲੈ ਅਹਲਿਲ ਕਬਾਇਰ ਮਿਨ ਉਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਦੇਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਾ Mom!
عشق مصطفى هذا التكليف هذا لا कौशराबाद सी हजूर तो उठे भी आख्या यार देखो मैं मरना पे आई बच नहीं सकता अज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों इलाम हो ही जाना खैर है क्यों पता ना नहीं है ना कदों जाना है लेकिन मौत के दो तरीके ने शुगर हो जाए टुरै जाए ना अखा खोलियां ना जान बिस्तरे से अड्डिया रगड़ रगड़ के पीड़ा ना जान निकले एक मौत है नबी पाक की शान सुना तो भाभी चंगे रहोगे रांझो मेरे नाल
पर आ जाओ मेरे नाल फिर पता की होएगा क्यामत वाले दिन सरकार दी बात या रसूल अल्लाह अल्लाह मानना ना जो फिर सरकार ने अल्लाह की बार में सिर फेजे रखने रब ने कहा सुन यार चुप न सी तेरे फारा सर मर के सन तोता तू मंगी जा दे तू सिफारिश करी जा सी बख्शी जाने तू बाह फड़ी जा सी जन्नत टोरी जाने उदो पता की होना सरकार ने कहा जा अल्लाह आए सही दस तेरा कपट्टा बड़ा सी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुनहगार भी बड़ा सी पर या अल्लाह ना ते मेरा लेना है सुनाबले इस्लाम जिंदाबाद इमाम अल मुनाजरी जिंदाबाद फतेह नजदीयत जिंदाबाद या अल्लाह मेरा ना लेना है ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਪੜਨਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿੱਡੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੜਾਂਗਾ ਸਫਾਤੀ ਲੇ ਅਹਲਿਲ ਕਬਾਇਰ ਮਿਨ ਉਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਾ ललकार है शेर की ललकार है सैयदी मुर्शिद
نبی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ਆਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਥਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਲਾਵਤ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਥਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਸੱਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਅੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਮਤੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਠਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਥਾਣੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਿਆਬਾ ਦੀ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਕੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر تم ہے جن کو اٹھا ہوا تھانی اندر بلایا جائے سبحان اللہ کتنی ہو گئی ہیں چھ آئی سکتی سبحان اللہ 50 حدیثاں دے مینوں یاد نے تے بہتیاں دے کتاباں وچ بہت پئی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں کدوں کیا بنوں جتھے بھی ہوں گے اپنی رات مومنہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مشکاۃ شریف کے پیچھے بیٹھے نے تے تارے چمک رہے ہیں سبحان اللہ آقا جن تارے نے تہاڈے کسی امتی دی ایڈیاں لکھیاں ہیں نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو ہے پر ماں دا کی ایمان تھا جی ماں دا ایمان سی کہ اے اللہ دے محبوب نے کلے کلے امتی دیاں نیکیاں بھی جان دے نے گناہ بھی جان دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے آقا کون ہے فرمایا عمر سبحان اللہ میرے عمر دے نیکیاں اسمان دے تاریاں دے برابر نے تسی آپ نصیتے آئے بیٹھے ہو تو نصیتے ہونا نیکی ہے کہ نہیں نماز بھی پڑھی ساری نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں پر تہاڈے جو کوئی بندہ باہ کھڑی کر کے کہہ سکتا ہے جناب مولوی صاحب میریاں ہن تک دیاں اینیاں نیکیاں ہو گئیاں وہ آپ اسی گناہ کرن والے سانوں اپنے گناہاں دی تعداد یاد نہیں نیکیاں دی تعداد یاد نہیں پر ماں دا ایمان یہ سی تے رب دا محبوب ہے امت دیاں نیکیاں بھی جاندا ہے گناہ بھی جاندا ہے سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ میری عمر دیاں نیکیاں اسمان دے تارے حضرت عائشہ دا خیال یہ سی کہ ساری امت چوں افضل تے ابو بکر صدیق نے جے ایتھے تک کوئی اپڑیا تے میرے ابا جی ہون گے لیکن سرکار نے کیڑا نام لیا حضرت عرض کیتا اینا حسنات ابی بکر یا رسول اللہ تے رب دے پیارے رسول میرے ابا جی دی نیکیاں کدھر گئیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیاری عائشہ عمر دی ساری عمر دی نیکیاں ایک پاسے تیرے ابے ابو بکر دی خاندانی نیکی ایک پاسے پھلا پھر بھی ابو بکر صدیق دا پارا ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਵੈਬ ਦਾ
ਇਲਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। कंजूस कौन जिदी जेब भरी होवे अगे देवे कुछ ना ते जड़ा अगे वंडे वो सफी ते जिदा खीसा खाली ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਫਰਕ ਤੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਖਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਗੈਬ ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਫਰਕ ਖਬਰ ਚ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਬਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕਾਲੇ ਆਸੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਨੇ ਇਸਮਾਨ ਪੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها اللہ نے آدم علیہ السلام کلی کلی شے دا نام سکھا دیتا کلی کلی چیز دا نام اللہ نے آدم علیہ السلام نو سکھا دیتا ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅਰਬੀ ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਡਿਗਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਮ ਆਦਮ ਅਸਮਾ ਅਕੁੱਲਾ ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਅਰਬੀ ਚ ਅਸਾ ਇੰਗਲਿਸ਼
पंजाबी अल्लाह ने सारे नाम सिफारिश इलम दे दिता कि फिर रब ने एक चीज रखी फरिश्तियां के सामने फरिश्तियो उस्ताद नूं आउंदी जांदी शायद कोई नहीं सी
सिफारशी मास्टर बन गया, उस्ताद बन गया, भर्ती हो गया। तो जिस उस्ताद नूं कोई शह नहीं आती, उहदे शहर के शागिर्द नूं कोई शह आएगी? सिफारशी मास्टर ते भर्ती होंदे ना, उस्ताद होवे निकम्मा, उहनूं आउंदी जांदी शह ना होवे ते उहदी क्लास दे मुंडिआं फेर ही होणा है ना। ते नबी पाक अलैहि सलाम ने जिस उस्ताद कोलों पढ़िया उहदीआं शानां की ने। अल्लाह ताला पढ़ाने वाला अल्लाह ताला की शान आलिम बिज़ात सरकार ने एक बारी जबरील पूछा, जबरील तू जो सारी दुनिया गाह छड़ी है, तेनू को मैं रसूल जिहा नजर आया? आका ना قلبتُ الارض مشارقها ومغاربها فما رأيت افضل منك يا رسول اللہ۔ سونیا تیرے نال دا تے ایک نظر نہیں آیا۔ یہی بولے سدرا والے جمنے جہاں کے تھالے سبھی शागिर्द भी है, तो मेहनती है, तो शौक वाला उस्ताद बड़ा बड़ा, जरा जरा गल तो मैं एडी एडी अखा करके बेहया बिंद कि वल वाली इबारत पढ़नी तो फटी आती है। कई मुंडे ना उस्ताद के दबके सुन के डर के दौड़ जाते हैं, दौड़े तो अच्छा सन खड़ाटे उस्ताद को पढ़िया बड़े मार दो जी नारे मार दो मादर इस्लाम फुट बड़ी पेश हुई हाँ कुट तो नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है पीछे की तस्वीर का बहुत अंतिम है। अच्छा उस्ताद जो एडी मोटी अख करके वेखदा ना, तो मुंडे का दिल त्रै जाता, वह दौड़ जाता है, मुंडा फेल हो जाता है। हमें सर या अल्लाह तू महबूब नु पढ़ाया ते भी दस दबके मार मार के पढ़ाया के प्यार नाल। अल्लाह ताला दी सिफतां बड़ियां ने, अल्लाह ताला कहा भी, अल्लाह ताला जब्बार भी, अल्लाह सलाम भी दिंदा, अल्लाह दा इंतकाम वाला भी है, पर अल्लाह रहमान भी है। जदों अल्लाह ने महबूब नु कुरान पढ़ाण दा जिक्र कीता, रब ने ए नहीं फरमाया अल जब्बार अल्लाह अल कुरान,
ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਦੀ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਸਲਨ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਟ ਲੈਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੈਸਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ, ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਯਾਦ, ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ, ਖਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਐਮਏ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ? ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੜਾ ਖਾਵਲ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਟਾਈਲ ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਖਾਏ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਫੜਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਲਾ ਰਤ ਬਿਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਬਿਸ਼ਿਨ ਇਲਾ ਫੀ ਕਿਤਾਬਿਨ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅਕਲ ਮੰਦੀ ਹੈ ਪਰ
एक मौली बड़ी जिद पे आके मैं क्या है गल सुन तेरा कद किन्ना है का माशाल्लाह 6 फुट मैं क्या ये दस तीन तीन टेंडे तेरा मत्था तेरा नाक तेरियां अखां तेरे कान तेरे मुंह तेरी तौल तेरा सीना तेरियां बाहां तेरा ढिड तेरियां लत्तां 6 फुट का जिसम पहले कित्थे सी
मैं क्या हुआ है तू आना है कि देख मेरी तकरीर भी है तस्वीर तेरा लोग खाते से किसे मैं जो भी हरकत है लोग मेरे खाते से किसे उन्हें क्या जी ये नहीं नजर आना ठहर जा उन्हें भी शीटी मंगवाया टीवी सेट मंगवाया सोच लाया केसर अंदर पाई सोचान गीता हूं स्क्रीन ते सब कुछ नजर आ रहा है मैं जो नजारा देखे मैं क्या वाह माला तेरी अजमतां दे कुर्बान जावा मेनू मेरे सवाल का जवाब भी दे दिता है कि मैं अस केसर नु देखिए ते सिर्फ रंग नजर आंदा ना तस्वीर नजर आई ना आवाज नजर आई इंजी जो मैं कुरान नु पढ़या मेनू ते सिर्फ काले काले हाथ नजर आए पर जो मदनी करीम अली सलातो व सलाम ने ऐसे कुरान नु खत्मे नु ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਉਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪੀਰ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦੋ दो नंबर माल हट गए शुरू हो गए है ना एनर्जी बहुत आई है और साडे जी साडा नाम है जो शुरू हो गया सुननी है जी सुननी है तुहानू याद है अक्कू जसा पहले टुटानी साहब को बुलाया सी मैं हां जी खादे वास्ते बुलाया सी मैं ओदे चाचा जी मेरे नाम दे नारे मारियो वो अपने अब्बा जी दे नाम दा आख्या सी नाम दे नारे मारियो मेरा पूरे बच्चे तो ना नाम का नारा भी पता नहीं लगा कि नहीं लगा हाँ देख लाए देख तो खैर नाम ही ना सारे यानी जलसा भी अपने अब्बा जी के नाम के नारे आवाज से नहीं सुना बनाया वो तो उस नबी की शाम सुनान वास्ते जलसा कराया सी जिधर कर्मा तू ते मैं पढ़ने हाँ ये दसन वास्ते जलसा कराया सी क्यों ये जो सच्चे दिल नल पुकारे वो पढ़ता जे अब एक लो आप जो छाल मारी के सोना आया कि नहीं आया पढ़िया कि नहीं आया अच्छा ये जलसा कराने की असा कोशिश की थी ते ए पीर इब्राहिम ने दूजियां दे नाल रल के ना बड़ी कोशिश की थी जलसा लाने ते ने जलसा होया उस जलसे दे नतीजे की ने कीता की सुनिया ने दीदियां दुआवां सुनिया ने किया वाह वाह मजा आ गया कमाल हो गई तो बाकी फैसला बाद रे एडा मजमा भी नहीं वेखिया होना सुनिया आख्या वाह जी वाह मजा आ गया कमाल हो गया इन्हें पता की कीता इन्हें इंतजामिया के उन्होंने अफसर ना पाल के सही दसत दहशतगर्दी का परचा करवाया दहशतगर्द सिर्फ मेरे ते नहीं मौलाना कारी मसूद हसान साहब छोटे भाई ने कारी साहब इन्होंने भी मेरे एक साथी कह रहे थे जनाब तेरे पुत्र के भी अशरफ सईद के भी मेरे अजीज ने दामाद ने मौलाना गुलाम मुस्तफा शाकिर उन्होंने भी अब्बा जी की बुलाते आज भी ये पर्चा थाना चंग बाजार के अंदर एफआईआर कटी पई है ते सील है
इस वास्ते कि वो परचा तो उन्हें कट दिता ये कहते हैं लेकिन बाद किसी से पागलो ये तो शहीद असद नहीं सी संभालिया जाना तो यह तो मुफ्ती साहब के खिलाफ भी परचा कर दिता है तो पूरा पाकिस्तान तक लग जाएगी बस वो परचा सी ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਵਸ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸੁਣ ਲਓ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੋਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਤੌਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਰੌਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ मैं नहीं पता इस गल का पर जिथे भी कोई फटा फुटो आएगा ना कि मगरों नहीं ला सकते तो इंशाअल्लाह मगरों ला के लाएंगे करोड़ा बल्कि अरबा
अल्लाह ताला ने इंसान नु दित्ता ज़ेहन, इंसान ने अल्लाह दे दित्ते ज़ेहन दे नाल बनाई डिस्क, उस डिस्क दे अंदर अरबा लफ्ज़ जमा कर ले, जो दिल करे ओनु तुसी कंप्यूटर दी स्क्रीन ते वेख सकदे हो। पढ़ दी अपनी होती है,
नमाज कोदे पिछे पढ़ो जिदी अपनी होंगी है। इन्हों का मसला यह है नमाज पढ़द्या नबी पाक का ख्याल खोते दे ख्याल ना हो। आप ख्याल करो जिदा अपना ईमान ही होएगा नबी पाक का ख्याल खोते दे ख्याल ना हो।